दोस्तों, आतिफ असलम एक ऐसा नाम है जो दुनिया भर में इनकी मौसीकी से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। वो एक पाकिस्तानी गुलूकार, नगमा निगार और अदाकार है। इसके शाइस्ता आगाज से लेकर बैन अल-अक़वामी स्टारडम तक आतिफ का सफ़र काबिल ज़िक्र से कम नहीं है। आतिफ असलम का सफ़र इसके चैलेंजों के बगैर नहीं था। इब्तदाई तौर पर इससे मौसीकी की सन्नत से मुस्तरद होने का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने इनकी गुलूकारी की सलाहियतों पर सवाल उठाया। इसने नसरत फ़तेह अली खान से तहरीक लेते हुए अपने हुनर को आगे बढ़ाया। इब्तदाई नाकामियों के बावजूद आतिफ अपने शौक के लिए परोजम रहे और इनका बड़ा वक्फा इनके पहले गाने इद्दत के साथ आया। जैसा कि वो अपने करियर में तरक्की करता रहा, आतिफ को इंडस्ट्री की तरफ से शकूक व शोबात का सामना करना पड़ा। वो सख्त मेहनत करता रहा, अपने दिल और जान को अपनी मौसीकी में डालता रहा और आखिरकार इसकी कोशिशों का नतीजा निकला। 2012 के नोबेल पीस प्राइज कंसर्ट में इनकी कारकर्दगी इनकी करियर का एक अहम लम्हा था। आतिफ की ताजपोशी इस वक्त हुई जब उन्होंने 2013 में साउथ एशियन फिल्म एवार्ड्स में बेहतरीन मर्द प्लेबैक सिंगर का एवार्ड जीता। ये इन लाखों लोगों के बारे में था जिन्हें इसने रास्ते में मुतासिर किया था। वो उम्मीद, इस्तेकामत और ख्वाबों की ताकत की अलामत था। आखिर में आतिफ असलम का स्टारडम का सफ़र इसकी लचक, इसकी काबिलियत और मौसीकी की सन्नत पर इसकी असरात का सबूत है। शाइस्ता आगाज से लेकर बैन अल-अक़वामी स्टारडम तक आतिफ की कहानी एक इल्हाम, उम्मीद और ख्वाब की ताकत है। आपका पसंदीदा आतिफ असलम का गाना कौन सा है, मुझे नीचे कमेंट में बताएं। दोस्तों, बस ये थे हमारे पास आतिफ असलम के बारे में मालूमात। अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करो और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह वीडियोस आपको जल्दी मिल जाए।